हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिकल हिंदी ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रीशियन के पेपर का, जो कि 31 जुलाई को आया हुआ था। जो मेरे पास पेपर है वो 20 सेट का है, तो आप अपने हिसाब से अपने सेट को चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके पेपर में दिए हुए क्वेश्चंस इधर उधर हों, बाकी क्वेश्चन सेम है लेकिन क्वेश्चंस का जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें ब्रेजिंग सामान्य उपयोग में लाए जाने वाले फ्लक्स कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो हम ब्रेजिंग के अंदर यूज करते हैं वो हमारा होता है बोरेक्स। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से ब्रेजिंग फ्लक्स का क्या काम होता है? तो इसका जो काम होता है वो होता है सतह को ऑक्सीडेशन से बचाना, फिलर की सतह के तनन को कम करना और इनके पेनिट्रेशन का सहयोग करना। तो इसमें ऑप्शन ए, बी और सी तीनों यानी ऑप्शन डी सही होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉर्म फैक्टर किस अनुपात में होता है? तो फॉर्म फैक्टर का जो अनुपात होता है वो होता है आरएमएस मान बटे औसत मान। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ये हमारा फॉर्म फैक्टर है। फॉर्म फैक्टर में हमारी आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू होती है। इसके बाद अगला सवाल है, डेल्टा कनेक्टेड लोड में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बीच में क्या संबंध होता है? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसमें हमारा किसी भी जो हमारा थ्री फेज सर्किट के अंदर जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन होता है, डेल्टा के अंदर VL इक्वल टू VPH यानी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, और स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के √3 होती है। तो डेल्टा के लिए पूछा है, इसलिए इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1 फैरेड में कितने कूलाम होते हैं? तो जनरली 1 फैरेड के अंदर अगर हम कूलाम की बात करें तो वो हमारे होते हैं 96,485.3 कूलाम, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया तो हमारा 96,500 कूलाम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। फ्यूज तार की क्या आदिरकता होनी चाहिए? तो फ्यूज तार के लिए जो विशेषताएं हैं वो होना चाहिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जहां क्लीट किए हुए कंडक्टर एक दूसरे से गुजरते हैं उन्हें खालिस्तान से अलग करना चाहिए जो कठोरता से एक दूरी बनाए रखे। तो इसके लिए हमें किसका यूज करना चाहिए? पृथक ब्रिजिंग प्रेस का यूज करना होता है, यानी ब्रिज का हम यूज करते हैं जिनका जो कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस रखते हैं वो हम 1.3 सेंटीमीटर का रखते हैं। तो इंसुलेटेड ब्रिजिंग का यूज करते हैं जिससे कि हम इनको अलग बना सकते हैं, दूरी उनके अंदर बना सकते हैं, और ये 1.3 सेंटीमीटर का रखा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है, पेंडेंट के सिरे को तनाव मुक्त करने के लिए लैंप होल्डर को सीलिंग रोजेज का किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोनों चीजें यूज होते हैं, कॉर्ड ग्रिप का भी यूज करते हैं, अंडर राइट और नॉट का भी यूज करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला है, वायरिंग को टीक वुड पर टीआरएस को ड्रा करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम बैटन का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद अर्थ वायर को ग्राउंड वायर, अर्थ या ग्राउंड वायर किसका बना होता है? तो ये हमारा गैल्वेनाइज स्टील का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। उसके बाद ठोस कोण का मात्रक क्या है? तो ठोस कोण का जो मात्रक है वो हमारा होता है स्ट्रे रेडियन। क्या होता है? स्ट्रे रेडियन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गतिमान लोहे के उपकरणों में क्या होता है? तो जो गतिमान लोहे यानी जो MI टाइप के जो उपकरण होते हैं उनका जो स्केल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी लीनियर स्केल नहीं होता, एक समान स्केल नहीं होता है। तो हमारा स्क्वाड स्केल कहलाएगा, यानी जो स्केल बराबर ना हो पूरे स्केल के ऊपर, कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, तो हमारे स्क्वाड स्केल में आ जाता है। लेकिन अगर हम MC टाइप यानी जो मूविंग कॉइल टाइप की बात करते हैं तो वहां पे हमारा एक समान स्केल होता है। हालांकि इसमें गतिमान लोहे का पूछा है यानी MI टाइप का पूछा है, तो इसके लिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है वो हमारा यूज किया जाता है लार्ज LV कनेक्शन, यानी बड़ा LV, ये LV है, बड़ा LV ट्रांसफार्मर के लिए यूज है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ओम्स लॉ में लगाए गए वोल्टेज और करंट के बीच प्रतिरोध का संबंध होता है,
ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा एनर्जी का मात्रक होता है। उसका विद्युत ऊर्जा को मापने की यूनिट जो होती है वो हमारी kWh यूनिट होती है। उसके बाद अगला है, इनमें से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो प्रतिरोधकता जिसकी सबसे कम होती है वो हमारा सिल्वर है। इसको एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए, कॉपर का जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो रेजिस्टिविटी हम देखते हैं, यानी प्रतिरोधकता तो देखते हैं, वो हम जनरली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं। तो कॉपर की देखें तो 1.68 × 10⁻¹ ओम मीटर है। गोल्ड की 2.44 × 10⁻¹ मीटर है, ओम मीटर है। उसमें एल्यूमिनियम की 2.65 × 10⁻¹ ओम मीटर है। सिल्वर की 1.59 × 10⁻¹ ओम मीटर है। तो यहाँ पे सबसे कम जो है हमारी सिल्वर की है, इसलिए हमारे सिल्वर की जो प्रतिरोधकता होगी वो सबसे कम होगी। ऑप्शन बी जो डी है ऑप्शन, वो करेक्ट आंसर है। विशिष्ट प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो वो होती है हमारी ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आर वैल्यू वाला एक रेजिस्टेंस डेल्टा में जुड़े हुए समतुल्य स्टार के प्रत्येक रेजिस्टेंस R/3 आंसर होगा इसका। यानी जब हम डेल्टा से स्टार के इक्विवेलेंट बनाते हैं तो R/3 होता है, और स्टार से डेल्टा के इक्विवेलेंट बनाते हैं तो 3R हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। साइनोसाइडल विविध मात्रा का पीक फैक्टर, यानी जो पीक वैल्यू है उसका मान होता है 1.414। कैसे होता है एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, पीक फैक्टर होता है आई मैक्सिमम बटे आई आर एम एस, यानी आई मैक्सिमम आर एम एस की वैल्यू Im/√2 हो गया, √2 आ गया। √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है, तो आंसर 1.414 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 30 वोल्ट DC को लगाया गया हो तो कॉइल द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा 300 वाट है, और जब 30 वोल्ट AC, यहाँ पे एक लिखा है AC होगा, AC लगाया गया तो ऊर्जा 108 वाट है। तो इस स्थिति में कॉइल के रिएक्टेंस निकालना, यानी हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, जब DC के साथ कनेक्ट किया गया तो हमें यहाँ पावर निकाला गया V²/R के फॉर्मूले। तो V हमें 30 दिया हुआ है, तो 30 × 30/300 हो गया, क्योंकि इसकी जो पावर है शक्ति है 300 वाट दिया। तो यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम आ गया। अब जब हम इसको AC में कनेक्ट करते हैं तो पता है हमें कि AC में क्या निकलता है हमारा, R की वजह से ही मतलब वहाँ पे पावर लॉस होता है। तो पावर लॉस P=I²R हो गया। I अब हमें I की वैल्यू निकालनी, तो √P/R हो गया। तो P की वैल्यू कितनी थी? 108 थी, और R की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 3। तो इससे हम क्या 6 एम्पियर हमारा धारा का मान आ जाता है। क्योंकि AC में रेजिस्टेंस की जगह इम्पीडेंस होता है टोटल, तो टोटल इम्पीडेंस क्या होता है? V/I हो गया। तो V की वैल्यू हमारे पास 30 वोल्ट AC था, और I हमें 6 एम्पियर मिला। तो यहाँ से हमारा 5 ओम इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा आ गई। अब हम यहाँ पे रिएक्टेंस निकालेंगे एक्स। तो एक्स जो होता है वो Z²−R²√ के अंदर, तो जेड की वैल्यू थी 5, 25 हो गया, और आर की वैल्यू थी 3 जो कि 9 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो आ गया 16√ के अंदर आ गया, जो कि हो गया 4। तो आंसर जो हमारा होगा वो 4 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 2 में से 1 वाट मीटर को संतुलित फेज वाले लोह में ऊर्जा मापने के लिए जोड़ा जाता है, और ये स्थिति परिणाम शून्य दिखाएगा। तो मतलब अगर हम 2 वाट मीटर मेथड यूज कर रहे हैं उसमें से एक हमारा शून्य दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो पावर फैक्टर की वैल्यू है वो 0.5 है। हाँ, अगर दोनों वाट मीटर इक्वल रीडिंग दिखाते हैं तब हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। वह मात्रा जो दो जुड़ी हुई रॉड को एक साथ निकाला जाता है तो क्या कहलाता है? ड्रॉ कहलाता है। तो इसका आंसर ए होगा सही। उसके बाद इनमें से कौन सी किस इंसुलेशन का प्रयोग लगाता है? तो देखिए, केबल के इंसुलेशन के लिए वार्निश का भी यूज किया जाता है, वार्निश या कैम्ब्रिज का, रबड़ का भी यूज किया जाता है, पेपर का भी इंसुलेशन यूज किया जाता है। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा इनमें से कोई भी। उसके बाद प्रेशर केबल सामान्यतः किससे ऊपर प्रयोग नहीं किया जाता है? तो प्रेशर केबल का सामान्यतः 66 kV से ऊपर प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। एक केबल के खराब होने पर वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, नमी के दाब पर भी, कार्य करने के तापमान पर भी, वोल्टेज के लागू करने के समय भी, ये सभी। तो ऑप्शन तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में तनन केबल सामान्यतः मान तक उपयोग की जाती है।
निम्न तनन केबल यानी लो वोल्टेज जो केबल है हमारी वो कितने तक यूज की जाती है, तो जनरली हम 1000 वोल्ट तक यूज करते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखिए जो लो वोल्टेज यानी जो निम्न वोल्टेज केबल जो है वो हमारी 1000 वोल्ट तक यूज की जाती है, हाई वोल्टेज वाली जो होती है वो 11000 वोल्ट तक, सुपर टेंशन केबल हमारी 22 केवी से 33 केवी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो 33 से 66 केवी तक, और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल हमारी होती है 132 केवी। तो ये हमारा है, इसमें हमें से जो पूछा गया था लो टेंशन केबल के बारे में पूछा गया था, तो उसका आंसर 1000 होगा, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला है, घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी है। तो देखिए फ्यूज वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट काम करता है, जो कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो फ्यूज तार जल जाता है और सर्किट को बचा लेता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जब कॉपर सल्फेट की घोल में विद्युत करंट पास किया जाता है, तब कॉपर का अपघटन बैटरी के नकारात्मक सिरे से होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसमें। उसका वायरिंग किस प्रकार पर निर्भर करता है, तो देखिए जो वायरिंग निर्भर करता है वो स्थान और उपभोक्ता के बजट पर भी करता है, स्थायित्व और मूल्य पर भी करता है, सुरक्षा पर भी करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन तीनों ही सही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है हमारा, टीक वुड पर टीआरएस केबल ड्रा करने के लिए कौन सी वायरिंग का उपयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बैटन। उसके बाद है पीवीसी कंड्यूट कितने मीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं, तो हमारी जो पीवीसी कंड्यूट है वो 3 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं, 20 mm और 25 mm के डाया में। उसके बाद ऑप्शन तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद रसोई घर में कितने एम्पियर के सॉकेट आउटलेट की आवश्यकता होती है, तो देखिए मिनिमम हमें 2 सॉकेट आउटलेट की आवश्यकता होती है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हालांकि इसमें ऑप्शन कई हैं, लेकिन हम मिनिमम को लेके चलते हैं, तो मिनिमम 2 हमें चाहिए चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4x3 का आयताकार रूम है जिसमें 50 लक्स की औसत प्रदीपक को प्राप्त करने के लिए 300 लुमेन के कितने लैंप की आवश्यकता होगी, तो इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए हमको दिया हुआ है कितना, 50 लक्स हमें दिया हुआ है, तो 50 लक्स को हम अगर हम ल्यूमेन पर मीटर में चेंज करते हैं, तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है 50 लुमेन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको हमें ल्यूमेन में चेंज करना है, तो मीट सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सरफेस एरिया हमारा मतलब 4x3 का है, तो 600 लुमेन आ जाता है। अब हमारा जो एक बल्ब है वो कितने लुमेन का है, 300 लुमेन का है, तो जब डिवाइड करेंगे 600 को 300 से, तो 2 नोज आ जाएंगे, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वो 2 सही होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। उसके बाद 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा कुल कितने फ्लक्स का उत्सर्जन होगा, इसको भी जरा देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए जो टोटल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है 4π × टोटल कैंडल, तो 4 × 3.14 × 60, तो यहाँ से 754.2 लुमेन आ जाता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 754.2 लुमेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 25 kVA 400 वोल्ट 2/200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होगा, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है जो के होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, वो I1/I2 बराबर N1/N2/N1 बराबर V2/V1, तो V2 और V1 की वैल्यू दी है, तो 200/400 जब करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होगा वो 0.5 होगा, जो कि ऑप्शन बी है, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा। एक संतुलित फेज लोड में न्यूट्रल में कितना करंट होता है, तो फ्रेंड संतुलित लोड अगर 3 फेज है तो उसके न्यूट्रल में 0 करंट होता है, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। करंट को किससे मापा जाता है, तो करंट को एम्पियर में मापा जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। वह क्षेत्र जहां आपको अग्नि की घटना के समय एकत्रित होना चाहिए कहलाता है, तो फायर असेंबली पॉइंट होता है वो हमारा, जहां पर सभी लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उदाहरण है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग का उदाहरण जो है मिलिंग कटर भी होता है, ब्रशिंग टूल भी होता है, तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, यानी हमारा ऑप्शन विकल्प सी जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ड्रिल मशीन पर कौन सी प्रक्रिया की रिमरिंग के नाम से जाना जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स जो रिमरिंग के नाम से जाना जाता है वो मौजूदा सिर्फ छिद को बड़ा करना भी होता है, छिद्र के समांतर धातु से हटाकर बनाया गया छिद्र भी होता है, और एक ड्रिल से किए गए छिद्र को बराबर फिनिश देना और सटीक आकार बनाना, ये तीनों ही होते हैं। लेकिन सवाल के अंदर ड्रिलिंग मशीन से रिलेटेड पूछा है, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा सटीक होगा वो होगा एक ड्रिल
से किए गए छिद्र को बराबर फिनिश देना और सटीक आकार का बनाना। तो ऑप्शन जो हमारा है विकल्प सी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा इसमें। अगला है, एक रबर हेड के साथ सामान्य टूल जिनको प्रभावित करने से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है तो उसको क्या कहता है। जो इसका चित्र है अंग्रेजी वर्जन में दिया हुआ था यानी हैमर का चित्र बना हुआ था, तो वो हमारा कौन सा था, रबर हैमर होता है। यानी इसके जैसे मैलेट की तरह होता है, बस मैलेट लकड़ी का होता है और इसमें हमारा क्या था, दोनों तरफ रबर लगा हुआ होता है। तो विकल्प डी हमारा इसका सही होगा। अगला सवाल है, कटाई टूल के कार्य से मेटल को किस रूप में हटाया जाता है। तो जो हम कुछ भी कटाई मेटल के ऊपर करते हैं तो उस पे उतरने वाला जो मटेरियल होता है उसको चिप्स के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। और इसका अंतिम जो सवाल है वो है, नॉन कंडक्टर के उदाहरण में से क्या सम्मिलित होता है। तो नॉन कंडक्टर के उदाहरण में जो हमारा है, सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है, वुड भी होता है। तो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो विकल्प डी जो है वो हमारा सही उत्तर है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों को ये पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। अगर किसी को और कोई डाउट है या कोई भी चीजें हैं तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों को हमारी इसका इंग्लिश वर्जन में वीडियो देखना हो वो नीचे दिए गए लिंक से वहां जा सकते हैं और उसमें हमारा इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।